हेलो फ्रेंड्स, ये है परवल। ये जो कि बिहार में सब्जियां खाती हैं सारे लोगों, और इसमें आज मैं परवल की भुजिया बनाने जा रही हूँ, जिसमें एक आदमी के लिए 3 परवल ली हूँ, 1 प्याज और 1 ये मिर्ची ली हूँ। अभी मैं परवल की भुजिया बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। इस तरह से परवल को इस तरह से छील लूँगी। ये इस तरह से परवल को मैं इस तरह से छील लूंगी। उसके बाद मैं सारे परवल इस तरह से निकाल लूंगी छील के, और इसके दोनों साइड से इस तरह से काट लूंगी। अब इस तरह से इसे मैं बारीक इस तरह से भुजिया बनाने के लिए इस तरह से मैं काट लूंगी। ये देखिए, ये मैंने एक प्याज लंबे आकार में बारीक काट लिया है। अगर आपको इसको छोटे आकार में काटना तो छोटे भी काट सकते हैं। और ये एक मिर्ची ली हूँ, ये 1 चम्मच मैं तेल ले ली हूँ, तेल गरम करके। उसके बाद मैं ये 5 प्रकार की फोड़नी होती है, जिसमें जीरा, मेथी, सौंफ सारी चीज़ें रहती है, 5 फोड़नी ये इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, ये हल्दी डाल दी हूँ 1 चम्मच, आधी चम्मच डालिए, मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच, सारी सामग्रियाँ पका लेंगे। अब ये मसाला पक गई है, ये मिर्ची मैं डाल देती हूँ। मिर्ची थोड़ी सी हल्के सुनहरे करके प्याज डालूंगी, ये प्याज डाल दी हूँ। प्याज को सुनहरे भून लेंगे मसाले में, या तो आप पहले तेल में प्याज और मिर्ची को सुनहरा भून सकते हैं। मैं मसाले के साथ ही भून रही हूँ ताकि अच्छे टेस्ट आते, मसाला भी भून जाती है। अब उसके साथ मैं प्याज सुनहरे होने के बाद ये सब्जियाँ डाल दी हूँ, नमक बाद में डालेंगे, पहले इनको अच्छे से पका लेंगे, बाद में हम नमक डालेंगे। अब स्वादानुसार मैं नमक डाल रही हूँ, 1 आदमी के लिए आधी चम्मच काफ़ी हो गई है। कम नमक खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से पक जाए। देखिए दोस्तों, परवल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ऐसे लाल भून लेना है। देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स।